अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली वाले पराठे की रेसिपी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत सिंपल इजीली तैयार हो जाती है। उसके लिए मुझे यहाँ पे चीज़ें चाहिए। 2 कप मैं यहाँ पे आटा यूज़ कर रही हूँ। आटा गूंदने के लिए आधा जग पानी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। जितना पानी यूज़ होगा हम उतना ही पानी इसमें ऐड करेंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल पराठा बनाने के लिए, 1 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई, आधी प्याली हरा धनिया बारीक कट किया हुआ, 4 से 5 अदद हरी मिर्च, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च और 1 चुटकी नमक आटे को गूंदने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आटा गूंद लूँगी। इन चीज़ों को हम साइड पे कर देंगे। और आटा गूंदने के लिए मैं यहाँ पे आटे में सबसे पहले 1 चुटकी नमक ऐड करूँगी और एक चुटकी नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। नमक अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाऊंगी और इसे हम मिक्सअप करते जाएंगे। एक साथ हमने सारा पानी ऐड नहीं करना वरना हमारा आटा पतला हो जाएगा। आटे को हमने इस तरह गूंदना है कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अब ये जो खुश्क आटा है हम इसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। खुश्क आटे को हमने अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी हम इसमें हाथों पे लगाएंगे और इसे हाथों की मदद से गूंद लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली भी ना रहे। आटा मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसे किचन टावल से कवर करके 5 मिनट के लिए रख दूंगी। मूलियों को मैंने क्रश करके रख लिया था। अब मैं इसे दोनों हाथों की मदद से इसका पानी निचोड़ लूंगी। ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और हम इसे दूसरे बाउल में ऐड कर देंगे। इसी तरह मैं बाकी मूलियों का भी पानी निचोड़ लूंगी। इसका पानी निचोड़ लिया, इसे भी हम उसी बाउल में ऐड कर देंगे। इसका पानी निचोड़ने से ये फ़ायदा होता है, एक तो रोटी हमारी इजीली बन जाती है, जो फीलिंग हम तैयार करते हैं वो बाहर नहीं आती रोटी से। दूसरा, इसका जो थोड़ा सा कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब इस पानी को हम साइड पे कर देंगे। ये मूलियाँ जो मैंने ड्राई कर ली हैं अब मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा, सुरख मिर्च पाउडर, नमक, हरा धनिया, प्याज, आप हरी प्याज भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, हरी मिर्च, और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे हाथ की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप स्पून की मदद से भी कर सकते हैं लेकिन हाथ की मदद से ये फीलिंग ज़्यादा बेस्ट तैयार हो जाती है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे।
आटा हमने 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था, आटा तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। खुश्क आटा लगाएंगे हाथ पे थोड़ा सा। और इसे हर साइड से लपेट के और इस तरह हम बॉल्स बना के रखते जाएंगे। पेड़े बना के इसके मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे रोटी की शेप दे देंगे। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, इस पर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और इसे उंगली और हथेली की मदद से रोटी की एक शेप दे लेंगे। रोटी की से मैंने शेप दे दी है और इसी तरह अब मैं दूसरा पेड़ा उठाऊंगी और इसे खुश्क आटे में इसी तरह से हथेली और उंगलियों की मदद से शेप दे लूँगी। एक जिसे मैंने रोटी की शेप दी थी इस पर मैं ऑयल लगा लूँगी। और इसके ऊपर अब मैं फिलिंग ऐड करूँगी। अगर आपको फिलिंग ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। फिलिंग हमने इस पे ऐड कर दी है। अब हम इसके ऊपर जो हमने रोटी की शेप दी थी दूसरे पेड़े को वो इस पे रख देंगे और इसे उंगलियों की मदद से दबा लेंगे साइडों से। थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे इस पे हम। अब हम इसे बेलने की मदद से बेल लेंगे। रोटी की मैंने इसे शेप दे ली है। तवा रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, ये गर्म हो गया। अब हम इसके ऊपर रोटी ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करेंगे इसके ऊपर हम 2 टेबल स्पून और इसके साइड को हम चेंज कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से पक जाए। अब इसकी दूसरी साइड पे भी हम ऑयल ऐड करेंगे। एक साइड से इसे हमने पका लिया है, अब इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह पका लेंगे हम। अच्छी तरह इसके किनारों को भी पका लेंगे ताकि कहीं से भी ये कच्ची ना रहे। मूली वाले पराठे की रेसिपी बन के तैयार है। इसके साथ मैं दही का रायता यूज़ कर रही हूँ। दही में मैंने गरम मसाला और नमक ऐड किया है। आप इसे ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आपको मैं जितनी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिलती रहें। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा सेपरेट करके दिखा देती हूं। ये देखें, अंदर इसकी फिलिंग्स हैं, फिलिंग इसकी बाहर नहीं आई है। अल्लाह हाफिज़।